सजेस्ट करूंगा कि अभी इस रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। hey! सिर्फ चोर और कातिल खंजर खोपड़ी में आ सकते हैं। सड़क छाप समझाए पिल्ले? जानता हूँ, इसीलिए सबको गिरफ्तार कर रहा हूँ। अलादीन, बच्चे को छूना मत हमार। आपको ले चलते हैं मैदानी जंग में। आक्रमण! ये अंदर की बात है। अब दिल खोल के अकले बच्चे, बाद में हो तुझे काट डालेंगे। तुम वहाँ चोरों के अड्डे में क्या कर रहे थे वाहिद? वाहिद, तुम अभी बच्चे हो, जान जा सकती थी। पर मैं तुम तो अभी बच्चे हो। वो तो समझता क्या है अपने आपको? ऐसा अजूबा कभी नहीं बनाया होगा। बेटी ये सोचेगा, समझेगा, अपनी मर्जी से काम करेगा, ये उसी तरह जिंदा होगा जैसे तू या मैं। बनाया तो बढ़िया, मगर हाँ, ये तो कबाड़ा है। कुछ ऐसे घूम मत थे, खुद को हसीन समझता है। हाँ तू है जूनियर, तू लगता है एकदम डैडी जैसा। मेरी धड़कनें बढ़ रही है। कम्बा, मेरा कीमा मत बनाओ। यह पहला कदम उठा रहा है। ठहरो, लेना अलादीन से बदला। बिखरी जुल्फों वाला कितना बेताब है लुच्चे को मिटाने को। बिल्कुल बात क्या है, चहिता आविष्कार कहीं घूम रहा होगा, अलादीन का कचूमर बना रहा होगा। जबरदस्त हीरो को चैलेंज देता हूँ। नहीं बचेगा अलादीन। अगर मैं जीता, एग्रेवा होगा मेरा। तुम तो मेरे पिछले विरोधी से भी बहुत छोटे हो। अचूक, इनाम 20 रुपए, जो जीते वही ना पाए। ये बात, चलो छोड़ो इनाम 50 रुपए। जंग है इस महान युद्ध विजेता को, ये तो शाना है रे। बेटा, तो कौन है ये मैकेनिकल? नहीं, मैकेनिकल तो बहुत ही फुटका है अली, और वो धातु का नहीं बना है। ये देखो भैया, तुम्हारी चंडाल चौकड़ी को बचाने के लिए नहीं कहा था? तुझे मिटा दूंगा। लागे होशियारी नहीं करना शाने। निकल, उसका हीरो बनने का ख्वाब मिट्टी में मिला रहा है। अलादी राक्षस बहुत बहादुर, एकदम हीरो। हे, ये मेरी तारीफ हो रही है। ऐसा क्यों किया मैकेनिकल्स ने? शायद वो तुम्हारे माफक बनना मांगता है भेड़ू, पर उसको तेरे जैसे बाल का है। हा हा, अच्छा वहा, शुक्रिया। हार गया भेड़ू ने, उसने तुम्हारी जान बचाई। नहीं नहीं, उसने मेरी मदद जरा सी। मगर अली, उसकी गदा तुम्हारे सर से इतनी दूर थी। हाँ, हो गया अलादीन, देखोगे। दादा, किसी ने सोना चुरा लिया, वो भाग रहा है, मदद, पकड़ो कोई उसे। अब बताऊंगा अलादीन को मैं हूँ हीरो। तो इसकी छानबीन करते हैं। नहीं, कहाँ तक भागेगा तू? देखो, मैंने एक चोर पकड़ा, अभी तक खतरा समझ रहे हो? वाहिद, उस छोटे बच्चे वाहिद को खतरा समझते हो? डूब मरो। वाहिद, उसे छोड़ दो और फौरन बाहर आ जाओ। तुम किसी को जख्मी कर सकते हो, तुम खुद को जख्मी कर लोगे। वो नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। तुम्हें यकीन है ये चोर है वाहिद? अच्छी, इसने तुम्हारा सोना चुराया है ना? मेरा? ओ बेटे नहीं, मुझे बाद में पता चला सोना चोरी हुआ ही नहीं, वो मेरी दूसरी जेब में था। जूनियर नहीं, दुश्मनों से यारी दोस्ती, और तूने मुझे ये बदला दिया। सब ठीक है वाहिद,
कोई जख्मी नहीं हुआ। तुम बोलो मैं हीरो हूँ कि नहीं? मैं हीरो मानता हूँ तुम्हें, मगर हीरो ऐसी गलती नहीं करते। आओ नीचे आओ। तुम वापस लाओ मेरा जूनियर, मगर उसकी पॉलिश मत खुरचना। वो बच्चा सतत गया है। वाहिद ये क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा, वो मैकेनिकल, वो उसे चला रहे हैं। बदला ले। वाहिद निकलो वहाँ से बाहर। नहीं निकल सकता, मैं फंस गया। अब क्या करें सिकंदर? उसे मैकेनिकल चला रहा है, वाहिद अंदर फंस गया। कर जल्दी चल, मैं तबाही का तमाशा देखना चाहता हूँ। जीनी तुम निपटो मैकेनिकल से, मैं वाहिद को बचाता हूँ। दुश्मन की होगी धुलाई, होशियार चमत्कार। सोमिनस डस्क, 10,000 युद्ध विजेता और एक हारा हुआ जब मैं दीवार पर टंग गया था। चुनौती देता हूँ। मोटा हो गया है तू। स्कूटर उस हीरो का सफाया कर डाले। छोड़ दो, तुम लोग स्कूटर को गंदा कर रहे हो। अब हमारी बारी है कालीन। तुम जो भी हो निकलो जूनियर के दिमाग से बाहर, मुझे हिसाब चुकता करना है। अलादीन, तू ना, तुम्हारे हाथ गंदे हैं। अभी वो खाई की तरफ जा रहे लाए। वाहिद नहीं, सॉरी लेट हो गया अली। नहीं, हाँ हीरो बनने चला था बच्चा, फोकट मर गया ना वो, है ना? निकल गई हीरो पंडित। तुम ठीक हो? मैं ठीक। पापा से बोलो। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी इस रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लकड़ियाँ खत्म हो गई, पर हम अकड़ जाएंगे, हमें आग जरूर चाहिए। शायद, हालांकि मुझे कला पसंद है पर ज्यादा प्रकृति। प्रकृति तो खुद ही कला है, ये तुम नहीं जानती। तो एक जाबाज हूँ पता है, एक ही हफ्ते पहले मैं लड़ा एक नाचते गेंडे से। बहुत खूब मनमोहक। उधर मुझे यकीन है जब तक तुम जैसा हीरो है दुनिया सुरक्षित है। मैं कहा था उस जानवरों के उस प्यारे से होटल में गैर मनुष्य की धरती छोड़ने से पहले। जैस्मिन जरूर मुझे उल्लू समझेगी, वो कितनी समझदार है और मैं कितना मामूली, कितना गवार। जरूरत नहीं है, क्योंकि अपुन जानता है शॉर्टकट। शॉर्टकट? दो सीधे कायदे, कभी अपने बाल मत निकलने दो। ठीक है, मजेदार होने का राज है मजेदार लोगों की बातें। वाह, ये भी क्या ऊंची बात है। फिर सारी दुनिया तुम्हारी जेब में। मैं तो अब से ही समझदार हो गया। भाई रुको, नहीं यार, अपुन का मतलब बहुत बास मार रही है जैसे कोई सड़ी हुई चीज। हाजिर है सर। ओ, तुम कल रात की बात से नाराज हो, है ना? पता नहीं तुम क्या उल्टी सीधी हाँक रहे हो, जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम वापस आएंगे। नाराज राणा फिर प्यारे, खाली बोलने के स्टाइल पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। उधर एक राक्षस है, रेगिस्तान में आग उगलता हुआ राक्षस, बेशक वो हमको मिटा डालेगा। एक आग उगलता राक्षस? चाहते कोई भी बुरी खबर लाए तो क्या तुम अपने बाल बिखेर दोगे?
नहीं, याद रखो एक सभ्य आदमी अपनी जगह किसी और को दौड़ाता रहता है। डाइविंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये तो बड़ा कन खजूरा है। ओ। पता है ये तो मेरे दुष्ट प्लान का हिस्सा है। मैकेनिकल्स, मैं यहाँ पागल आविष्कारी मैकेनिकल के साथ हूँ। जरा अपने पागल इरादों के बारे में कुछ बताइए। क्या तुम जानते हो कि इस बोतल में से जहाज को कैसे निकालें? अरे चुटकी में, बस हमें ये करना है कि बोतल के अंदर जाकर छोड़े पकड़ा। ओह, मुझे यकीन नहीं आता कि मैं फिर उस पुरानी बोतल वाली जान में फंस गया। बहुत ही होशियार और मजेदार। मेरे लतीफे पहले ही किसी जोकर के मुंह से आप लोग सुन चुके हैं। ओ कबाड़ा। मगर जोकर अक्सर अकलमंद होते हैं। जैस्मिन, मेरे बाल, मेरे बाल। तुम्हें जीने की कोई फिक्र नहीं, उसे लौट आना चाहिए था अभी तक। उसे खोजने कालीन को भेजता हूँ। तो ये तो कांच है। वाह, अच्छे बाल, बहुत सभ्य। कैसे बचा लेते हो तुम इन्हें बिखरने से? बहुत अच्छा किया यहाँ मिलने चले आए। मुझे उम्मीद है तुम लोग मेरी स्त्री करने से बुरा नहीं मानोगे। नहीं तो नहीं, मुझे नहीं पता। रेत, पिघली रेत, शीशा पसंद है जो एकदम चिकना चपटा। उन लोग के पास ऐसी चीज होती? मैं दरु कैसे दिखाने के लिए बेचैन हूँ। दरु, दरु तावली वो सरागर, दरु अग्रभा बेचकर अमीर बना। ओ मैकेनिकल, मैं ये सोच रहा था कि तुमने जहाज को बोतल में कैसे डाला। शाबाश शरी, ये कैसे हो गया? मैं तुम्हारी पुरानी चाल में कैसे फंस गया? बोतल अपने हाथों से खोल दी मैंने। देखो जो हमने आज तक नहीं किया अब करेंगे। दरू को लोगों से हताही करने की सजा जरूर मिलेगी। यकीन नहीं आता मैंने उस आदमी की नकल की। मैं उसे इतना समझदार समझता था। चलो ठीक है अलादीन, हम सभी ने धोखा खाया। नालू अलादीन, तुम जाके अग्रभा वालों को बताओ, शायद हम उसे घाटी के अंदर घेर सके। तुम हमारी ओर से धक्का क्यों नहीं मारते? गलती हो गई। हम जीत गए और फिर एक बार लगातार चैंपियन अलादीन। तुमने इस चीज को रोकने का आइडिया दे दिया। चलो आओ दोस्तों, इनको ऊपर से बंद कर देते हैं। तो हो जाए। थोड़ी मदद कर भिड़ू, अपनी कमर दुख रही है यार। तो पूछेंगे उल्टे उड़ने वाले चमगादड़ के पर सर पर क्यों लगाए? जोर हो जाओ, सजा भुगत देखो। अरे भिड़ो, अपुन बताता है, अपुन बताता है। लोग पूछेंगे क्यों लगाई सीट बेल्ट, और मैं पूछूंगा। दरू तो उम्मीद से ज्यादा ही काम कर रहा है ना? हाँ, और इस तेजी से उसका सारा काम खत्म होगा शायद 10-15 साल में। देखो पवन आपुन की बोले ली। ये तो मुर्खा है, मुर्खा।